जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध होगा कि उस पार जो लोग भी दीपों के बीच में सभी स्वयंसेवक पीछे चले जाएं, जिससे मंच पर आए हुए अतिथि दीपों का अवलोकन कर सकें। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा जो लोग बीच बीच में खड़े हो रखे उस पार, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, दीपों का यहां से मंच से अवलोकन सही तरीके से हो सके, वे लोग थोड़ा पीछे चले जाएं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, दुनिया के 54 देशों से आज अयोध्यापुरी में उपस्थित हिज एक्सलेंसीज ऑल एम्बेसडर्स, उपस्थित हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का, दुनिया के 54 देशों से उपस्थित माननीय राजदूतों का और दूतावास के सम्मानित वरिष्ठों का, मैं महानुभावों का, मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अयोध्यापुरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों का, जिनके कारण आज अयोध्या का दीपोत्सव का यह 7वां संस्करण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए स्वयं 54 देशों के राजनयिक, मान्य राजनयिक यहां पर अयोध्या धाम में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या पुरी के निवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या को वैश्विक मान्यता मिलना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है, और दीपावली के अवसर पर यह अवसर, यह आयोजन इसका एक प्रमाण है। दीपावली का आयोजन पूरे भारत के अंदर भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वापसी की स्मृति में मनाया जाता है, और 14 वर्ष के उन वनवास कालखंड में केवल वन्य जीवन का भ्रमण ही भगवान राम ने नहीं किया था, बल्कि एक और वन्य क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अभय प्रदान करना, तो दूसरी ओर नकारात्मक ताकतों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वथा अंत करने का जो संकल्प प्रभु श्री राम ने लिया था, उस संकल्प की पूर्ति के फलस्वरूप अयोध्या आगमन राम राज्य के आधारशिला की शुरुआत थी, और संपूर्ण आर्यावर्त में, संपूर्ण भारत में राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो, बल्कि जो भाव प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों के सामने रखा था, सबका साथ सबके विकास का, उसको मूर्त रूप में सबके सामने रखना, और यह भी अयोध्यापुरी के माध्यम से। तब भाइयों बहनों, जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है, और रामलीला स्वयं 500 वर्षों के बाद उसमें विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, इस अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन और भी भव्यता के साथ आज यहां पर आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की, दीपोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
हमारी कामना होनी चाहिए कि दीपोत्सव का आयोजन हमारा स्वयं का आयोजन नहीं बनना चाहिए। हर गरीब, हर वंचित, हर उस परिवार के पास हमें पहुंचना है जो किन्हीं कारणों से आयोजन में शरीक नहीं हो पाया है। वहां तक हमारी संवेदना पहुंचे, हमारी भावनाएं पहुंचे, हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों तक भी पहुंच करके इस आयोजन के साथ से भी सरोकार कर पाएंगे, तो भाइयों बहनों ये आयोजन और भी भव्यता के साथ भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुरूप हम सबको एक नई खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। एक बार फिर से दीपावली की और दीपोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं, खासतौर पर उन स्वयं सेवकों को जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों से लग करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ मिलकर के दीपोत्सव को आज रिकॉर्ड मात्रा में यहां पर प्रज्वलित करने में अपना योगदान किया है। और इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इसका परिणाम आने के पहले मंच पर जो हमारे अतिथि बैठे हैं वे मंच से सामने के दीपों का अवलोकन कर सकें, जो स्वयं सेवक वहां लगे हुए थोड़ा पीछे चले जाएं तो पीछे यहां से मंच से सब दीपों का अवलोकन भी हो पाएगा और आने वाले अतिथियों को इतनी भारी संख्या में दीप का प्रज्वलन होना एक सकारात्मक ऊर्जा की ऊर्जा से ओतप्रोत होने का एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए, आपकी वाणी के लिए। और अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश पुनः एक नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। ड्रोन की गणना पूर्ण हो गई है। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर श्री स्वप्निल दंगारीकर तथा कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोड जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस गणना की घोषणा करें। आई रिक्वेस्ट द टीम मेंबर्स ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एजुकेटर मिस्टर स्वप्निल दंगारीकर एंड कंसल्टेंट मिस्टर